ए, ये क्या पागलपन है? कहाँ है आपका लाडला बेटा? कहाँ है वो? छुप कर बैठा है क्या? तू क्यों ढूंढ रही है उसे? हाँ? मेरा भाई है ना वो, उसे प्यार से गले लगाना चाहती हूँ। अरे इसे क्या हो गया, आज ये पागलों की तरह क्यों हरकतें कर रही है? हंस रहे हो तुम? ए, तू पागल हो गई क्या? हुई हूँ, आपका बेटा पागल हो गया है, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। सावित्री छोड़ो, क्या कर रही है? सावित्री, जवान बेटी को इस तरह क्यों मार रही हो? क्योंकि अपने भाई के बारे में अनाप शनाप बोल रही है इसलिए। ना तो वो मेरा भाई है, ना ही मैं उसकी बहन। सावित्री, मैं उससे बात करती हूँ, हटो। मैं बात करती हूँ, हटो ना। बेटा, ऐसा क्या किया तेरे भाई ने जो तू इतने गुस्से में है? आपको पता है उसने मेरी फ्रेंड्स के साथ कितनी बदतमीजी से बात की है? पता है उसने आज उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए, मूवी देखने के लिए और होटल चलने के लिए इनवाइट किया? आज तक कॉलेज में किसी ने मेरे बारे में कभी गलत नहीं कहा, पर आज उन सब के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और ये सब उसी की वजह से हुआ है। ठीक है, रोना बंद कर, आने दो उस लफंगे को, बताता हूँ मैं उसे। इतना सब होने के बाद भी अब उसी की साइड ले रही है? हे, ये किसकी तस्वीर है? हवा में क्यों उड़ रही थी? इसके सिर पे मुझे है। ओ, ओ, अरे ये तो तेरी। ओ, अरे ए, 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 क्या चल रहा है तेरे घर में? फोटो क्यों उड़ रही है इस तरह? घर में सफाई चल रही है? अरे वो लड़कियां थी ना, उन्होंने अमृता से शिकायत कर दी होगी, इसलिए तो वो आग बबूला हो रही है, अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो फिर तू डर क्यों रहा है? तेरी बहन है वो, जाकर सामना कर उसका, हम बाद में आएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है और तुम लोग पतली गली से भाग रहे हो। दोस्ती का फर्ज निभाओ और अंदर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं नहीं, ये तेरी और तेरी बहन का पर्सनल मैटर है, हम बाहर वाले इंटरफेयर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम चलते हैं। रुक, अगर अंदर जाकर सब ठीक नहीं किया तो तू मद्रास नहीं जा पाएगा, समझा क्या? चाचा जी, इन दोनों को पढ़ा के भेजा है, आप छोड़िए मत। ए, जरा सामने आ, जरा उधर जाओ। अरे तुझसे भी कह रहा हूँ, बस स्टैंड में क्या हुआ था आज? गाय आई और घास खाकर चली गई। ए, मैंने पूछा अरविंद ने क्या किया था? अरविंद ने, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया? क्या उसने मेरी फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी नहीं की? क्या कह रही हो, वो तुम्हारी फ्रेंड्स थी, तुम्हें मालूम है उन्होंने चंद्रू के बारे में क्या कहा? उन्होंने इलू इलू ताथैया कहा। मुझे बीच में क्यों घुसे ड्राइवर? तुझे बिना घसीटे वो चुप नहीं होने वाली थी, देख कैसे चुपचाप खड़ी है। ये तुम दोनों खुसर पुसर क्या कर रहे हो? कह रहा है, मैं नहीं कहूँ। अरे क्यों नहीं कहूँ मैं भाई, हमारे भोले चंद्रू को लड़कियाँ छेड़ रही थी, कह रही थी इलू इलू ताता थैया। अरविंद कैसे चुप रहता? क्या कहा तुमने, इलू इलू ताता थैया? अरे तुम क्यों दोहरा रही हो ये सब, इसका मतलब कुछ बुरा ही होगा। बुरा मतलब चाचा? अरे बहुत बुरा मतलब है इसका, सुनिएगा तो कानों में से धुआं निकलने लगेगा। उन लड़कियों ने अमृता से झूठ कहा, क्यों कहा कि नहीं? अरे कहा ना? हाँ। ओहो, तो ये बात है। दादी आप भी, तुम चुप रहो अमृता, अगर लड़कियां खुद से अच्छे से पेश नहीं आती तो लड़के क्या करेंगे? माँ तुम चलो अंदर, सावित्री तुम भी चलो अंदर। चाचा जी ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों जी? कुछ कीजिए। आप यहाँ क्यों बैठे, आपको कोई काम नहीं है क्या? चलिए अंदर चलिए, इसके साथ बात करके फायदा नहीं। देखो इस केस का कोई मतलब नहीं रहा है, तो बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं उसकी बहन हूँ और मेरी फ्रेंड्स के साथ लिमिट में बात करनी चाहिए थी। और तुम क्या कर रही हो अमृता, अपने भाई के लिमिटेड दोस्त से लिमिट क्रॉस कर रही हो? जनाब आप थोड़ी देर अंदर आएंगे? यस। ये क्या, तुमने बुलाया? अरे तुम्हें किसने बुलाया? ओ रॉन्ग नंबर, ए तुझे बुला रही है। जरा अंदर आइए। मुझे क्यों बुला रही है? ये मुझे तो नहीं मालूम लेकिन पिटेगा जरूर। अरे कृष्णमूर्ति, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। ये जो ताता थैया वैया करते हो इसका मतलब क्या है? चाची जय कृष्ण कन्हैया, डूब रही है नैया और करेंगे ताता थैया। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? तुम हमारे रिश्ते के बारे में बाहर क्या बातें कर रहे थे? नहीं मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर बताओ कृष्णा को कैसे पता चला? मेरी तरफ देखो। क्या तुम भी मेरे भाई की तरह लड़कियों का पीछा कर रहे थे? तुम्हारी जान ले लूंगी। निकलो। तुम कृष्णा को हमारी सारी बातें बताते हो ना, तो ये भी बता दो। तुमने गाना क्यों रोक दिया अमृता? गाओ ना, अपने अंदर के दर्द को बाहर निकलने दो। क्या दर्द, किस बात का? मैं तो खुशी में गा रही थी। ये क्या कह रही हो, मुझे तो लगा तुम दर्द में गाना गाती हो।
क्या तुम सपना देख रही हो? क्यों? मैं सपने नहीं देख सकती। तुम क्या कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सारे सपने सच नहीं होते। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अपने चंदू का एक लड़की के साथ टाका भिड़ा हुआ था, बिना शादी के ही ताता था ये कर लिया था तो उन्होंने, अब वो माँ बनने वाली है। अरे वो लड़की कोई और नहीं है, सिंगम पट्टी के सिंघानिया की बेटी माहेश्वरी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन सच पता चलने के बाद मैं उस धोखेबाज का मुंह नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ। मैं चलता हूँ। आदरणीय राज सिंघानिया महोदय, मीनाक्षीपुरम जज के घर में रहने वाले चंद्रू को आपकी बेटी महेश्वरी से प्यार हो गया है। चंद्रू आपको बिना बताए आपकी बेटी का अपहरण करने वाला है। कैसे गाड़ी चला रहे हो? अरविंद भाई वहां कुछ लोग चंद्रू को बुरी तरह से मार रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये है क्या आखिर? नाक बंद है क्या? पेट्रोल है। पेट्रोल? रुको, रुको। ए, क्या कर रहे हो? मालिक जल्दी बाहर आओ। मालिक ये आपकी कार में पेट्रोल डाल रहा है मालिक। हटो। कौन है ये सरफिरा? कौन है बेटू? तेरा बुरा वक्त जो अब से शुरू हो रहा है। ए, पकड़ो इसको। अरविंद क्या कर रहे तू? पागल हो गया क्या? नहीं मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, मेरी बात सुन। अरे क्या किया तूने? चल चल निकल। अरे ये क्या किया? गलत आदमी पे तूने हाथ उठाया, ये मेरा दोस्त है। आइंदा अगर इस पर उंगली भी उठाई ना तो तेरा पूरा घर जला कर रख दूंगा, समझा क्या? क्या जज साहब घर पर है? वो तो नहीं है, कोयम्बटूर गेस्ट हाउस गए हैं। क्या बात है? अरविंद और चंद्रू दोनों ने मिलकर सिंघानिया के घर में घुसकर उनकी गाड़ी जला ली। हाँ क्या हुआ? मैंने सिंघानिया से बात की, एसपी ने भी इसे बहुत समझाया। जब मैंने कहा उसे नई कार खरीद कर दे दूंगा तब जाकर वो चुप हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तो सब ठीक है, लेकिन उसके भाई लोग तो गुस्से में है ना। बेहतर होगा अरविंद कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं रहे, एसपी साहब भी चाहते हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर रहे। अगर ऐसा है तो अपना रामेश्वरम का घर खाली है, वहाँ जाने के लिए कह सकते हैं। डैडी मैं जानबूझकर लड़ने के लिए नहीं गया था, उन लोगों ने इस बेचारे का स्कूटर जला दिया, क्या मैंने ऐसा करके गलत किया? अरविंद इधर आओ। चंद्रू एक अच्छा लड़का है और हम सब जानते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा, पर यह कोई जरूरी तो नहीं कि दूसरे भी यही सोचते हो। ये देखो चंद्रू के बारे में उन्हें किसी ने ये लेटर लिखा है।
क्या ये? बिना सोचे समझे तुमने चंद्रू के बारे में इतनी गिरी हुई बातें लिख दी? ऐसा क्यों किया? क्यों उस बेचारे पर गलत इल्जाम लगाए? झूठ क्यों लिखा तुमने? ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। उसने लड़की को धोखा ही नहीं दिया, उसकी जिंदगी भी बर्बाद की है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने मुझे बताया। तुम ये झूठ लग रहा है तो तुम खुद जाकर उससे पूछो, तुम सच्चाई जान जाओगे। जरूर पूछूंगा, अभी जाकर पूछूंगा। अगर उसने साबित कर दिया वो निर्दोष है तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई था, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हे चंद्रू, मम्मी पापा को डर है कि सिंघानिया हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हम शहर छोड़कर चले जाएं। करेक्ट है, जैसे कि अंकल ने कहा था, दादा के घर जा सकते हैं रामेश्वरम में। अरे रामेश्वर जैसी जगह बुड्ढों के लिए है, हम लोग जाएंगे चेन्नई शहर में। चेन्नई ना, तो कृष्णा के यहाँ जा सकते हैं। कम वक्त हमें बिना बताए चला गया था, इस बात की उसे सजा भी देनी है। तो फिर हम कल सुबह निकलते हैं। हम कल सुबह तक चेन्नई पहुंच जाने चाहिए। ओके। देख सर एड्रेस कहाँ का। गोपाल कौन है? दूध ले दो। मैं ही हूँ गोपाल। दूध लाया हूँ, जल्दी से बर्तन लेकर आइए। तुम रुक क्यों गए? मुस्कुराओ ना जानू। जानू तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरें हटा के गले लगा लूं क्या? जानू डर क्यों रही हो? और शकुनी मामा से डर रही हो? उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। उस चेरी ब्लॉसम को औरत की साइकोलॉजी क्या पता? आओ ना, तुम्हारे अधरों को चूम सकता हूँ। मैं गड्ढे में गिर गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहाँ गड्ढा किधर है? जानू, जानू, मुझे बचाओ। जानू? क्यों रे गेंडे, मैं शकुनी मामा हूँ। मैं औरतों की साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तेरी तो ए, ये गुलाबी सपने देखना बंद कर और जाकर चाय बना के ले गया। है? चेहरा चमकाए फिरता है, दिन रात सपने देखता रहता है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, सारे निकम्मे मेरे ही गले पड़ जाते।